मैं उत्सला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जर्मनी के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां उन्होंने अर्जेंटीनिया के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडीज से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच किन किन मुद्दों पर बात हुई इसको लेकर और यह जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जर्मनी के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां उन्होंने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने म्यूनिक में वाणिज्यिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। G7 शिखर सम्मेलन के मेजबान जर्मनी ने भारत के अलावा अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल और दक्षिण अफ्रीका को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। दरअसल भारत अर्जेंटीना के संबंध 2019 से रणनीतिक साझेदारी से मजबूत हो चुके हैं। पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के बीच बहुआयामी रिश्ते मौजूद हुए हैं और इनमें राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग शामिल है। गौरतलब है कि भारत ने 1943 में ब्यूनस आयर्स में एक व्यापार आयोग खोला था, जिसे 1949 में दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में भारत दूतावास में बदल दिया गया। अर्जेंटीना में लगभग 2600 NRI PIO हैं, उनमें भारतीय भी शामिल हैं। उनमें से अधिकांश भारतीय अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स शहर में रहते हैं। G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद प्रधानमंत्री 28 जून 2022 को संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा करेंगे। पीएम मोदी UAE के पूर्व राष्ट्रपति और अबू धाबी शासक शेख खलीफा बिन जायद अल नहरान के निधन पर अपनी व्यक्तिगत संवेदना व्यक्त करने के लिए जाएंगे। आपको बता दें कि शेख खलीफा का निधन पिछले 13 महीने की तारीख को हुआ था। रिपोर्ट प्राइम टीवी। हमारे इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।